हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मोनिकास के किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। ये पीने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही रिफ्रेशिंग भी होता है। समर के लिए ये एकदम परफेक्ट ड्रिंक है। आओ देखते हैं ये सिंपल सी रेसिपी। सबसे पहले मैंने ये 8 से 10 स्ट्रॉबेरी ली हैं। इनको मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इनमें कोई भी दाग ना हो। इनको मैं इस तरीके से कट कर लूँगी 4 भागों में। इसी तरीके से मैं सारी स्ट्रॉबेरी कट करके एक मिक्सर जार में ले लेती हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। इसमें ऐड करूँगी मैं 1/2 ग्लास से भी कम दूध। पहले हम इतने ही दूध के साथ इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे मैं चलाऊंगी 1 मिनट के लिए। ये देखिए, ये अच्छे से सारी स्ट्रॉबेरी अच्छे से क्रश हो गई हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी वनीला आइसक्रीम। ये एकदम ऑप्शनल है, लेकिन वनीला आइसक्रीम डालने से एकदम ये थिक हो जाता है और इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। ये देखिए, एकदम परफेक्ट स्मूदी बन के तैयार है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी दो ग्लास दूध के। मैंने एकदम चिल्ड दूध लिया है। आप चाहें तो आइस क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने आइस क्यूब्स स्किप की हैं। अब मैं इसको 1 मिनट के लिए मिक्सी में चला लूँगी। ये एकदम परफेक्ट बनके रेडी है। अब हम इन्हें सर्व करेंगे। आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं और जैसे ही बच्चे घर आते हैं उनके लिए ये एकदम रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। मैं तो अपने बच्चों को ये ज़रूर पिलाती हूँ। अब मैं इसमें ऊपर से वनीला आइसक्रीम डाल दूँगी। ये एकदम किड्स स्पेशल ड्रिंक है। आई होप आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।